ओम ज्ञानत मिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश सहग विवेकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। भजामि राधांगमरविंद नेत्रांग स्मरामि राधांग मधुर स्मितास्यां बदामि राधांग करुणा भरात्रांग तत्त्व मम नास्ति कतिर्न कापि। राधे वृंदावनाधीश करुणामृतवाहिनी कृपया निज पदाब्जे दास्यमजं प्रदियतां। राधा करावचित पल्लव वल्लरीके राधा पदांक विलस मधुर स्थलीके राधांग जस मुखम खंगांग बलिके राधा विहार विपिने रमतांग मनोमि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य में प्रणाम करता हूँ। आज बहुत अच्छा दिन है कि भगवान का स्वरूप शक्ति लादिनी शक्ति भगवान की जो पराशक्ति श्रीमती राधा रानी का आज जन्मतिथि है। कहते श्री शंकर जी पार्वती को कहते हैं आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधनांग परम तस्मात परम तरम देवी तदियानांग समर्चनम। कहते पार्वती जगत में जितने आराधना है जो सर्वश्रेष्ठ आराधना है भगवान विष्णु की भगवान कृष्ण की, क्योंकि जो भगवान कृष्ण है बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये सर्व कारण का मूल कारण है जिसको ब्रह्मा कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उकसाम जन्मित्र परमानंदं पूर्ण ब्रह्म सनातन। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन है, इसलिए जिनको सारे देवा देवी भी आराधना करते हैं बल्ले शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार चितपद भगवान का चरण कमल है। लेकिन कृष्ण को तो सारा दुनिया आराधना करते हैं, लेकिन कृष्ण भी किसको आराधना करते हैं बोले कृष्ण किसको आराधना करते हैं बोले श्रीमती राधा रानी को। इसलिए रसकान कहते हैं बोले वेद में ढूंढ पुराण न गायन। उनको हमने वेद में ढूंढा पुराण में ढूंढा सारे शास्त्र में ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। लेकिन ढूंढते ढूंढते जब हम वृंदावन में गए, अब वृंदावन में जब श्री सेवा कुंज में गए वो परम ब्रह्म को वहीं पर देखा क्या करते हुए
बैठक पैलट राधिका पायन। देखा श्री राधा रानी की चरण को सेवा करते हुए वहीं पर मिले, इसलिए वो वन का नाम है श्री सेवा कुंज है। इसलिए कहते श्रीमती राधा रानी का नाम ऐसे कोई ग्रंथ नहीं जिस ग्रंथ में श्री राधा रानी का नाम नहीं हो। बोले वेदे रामायण चैव पुराणे भारत तथा अद्यावन्ते च मध्ये च राधा सर्वत्र गीयते। मतलब वेद पुराण रामायण सब जगह में देखो, आदि मध्य अंत सब जगह में श्री राधा रानी का नाम। बोले वेद में भी श्री राधा रानी का नाम। बोले श्यामम छबलम प्रपद्ये, छबलम श्यामम प्रपद्ये। कहते राधा रानी कृष्ण को भी आराधना करती है और कृष्ण श्री राधा रानी को आराधना करते हैं, इसलिए श्री वेदों में भी श्री राधा रानी का नाम है। कहीं राधा नाम शब्द में, कभी राधा श्याम, कभी राधा, कभी तृतीया, कभी द्वितीया, कभी षष्ठी, कभी पंचमी, इस रूप में श्री वेदों में भी श्री राधा रानी का बहुत सारे स्थान में श्री राधा रानी का नाम को वहां इंगित किया है। बोले श्री उपनिषद पढ़ो। बोले उपनिषद का भी आराध्य कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए बृहदारण्य उपनिषद कहता है, बोले सबई नैव रमे नैव रमते स द्वितीय मैच्छत। उपनिषद कहता है कभी भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे, वो लीलाधारी है, लीला करना चाहते हैं, लीला रस आस्वादन करना ही उनका मूल उद्देश्य है। इसलिए रसिक शेखर कृष्ण परम करुण है, कृष्ण रसिक शेखर है, इसलिए रसास्वादन करना ही उनका जीवन का मूल उद्देश्य है। लेकिन रस आस्वादन करके कैसे, एक स्वरूप में तो रस आस्वादन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण की जैसे इसी संसार में देखो, एक व्यक्ति अकेला होता है लेकिन शादी क्यों करना चाहते हैं, फिर बच्चों को क्यों जन्म देना चाहते हैं, आनंद के लिए। उसी तरह कृष्ण रस वैस रसम जवायाम लब्ध्वा आनंद भवति। कृष्ण स्वयं रस स्वरूप होने पर भी, वो अखिल रसामृत सिंधु होने पर भी, कहते रसास्वादन करे कैसे, अकेले रसास्वादन नहीं कर सकते हैं। इसलिए वेद कहता है एक अपि बहु श्याम, वो एक होते हुए भी बहु होने के लिए उन्होंने इच्छा की। जब इच्छा की इतने में देखा कृष्ण का वाम अंग फड़कना शुरू किया, कंपन होना शुरू किया, और देखते देखते राधा रानी की वाम अंग से एक दिव्य नारी, एक किशोरी है, कहते सुंदर 16 श्रृंगार युक्त, द्वादश आभरण युक्त, मानव विश्व ब्रह्मांड का सारे तेज पुंज को एकत्रित करते हुए एक किशोरी प्रकट हुई, और रास से प्रकट हुई, इसलिए उनका पहला अक्षर श्री रा। और प्रकट होते ही सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करके उन्होंने कृष्ण को पूजा करने के लिए दौड़ी, इसलिए उनका नाम पड़ गया श्री राधा, नाम पड़ गया, इसलिए उनका नाम राधा। कहते रा मतलब होता है भक्ति, और धा मतलब होता है जीवों को जो भगवान की भक्ति प्रदान करती है, इसलिए राधा रानी को श्री भक्ति स्वरूपिणी बताई गई। इसलिए राधा रानी ही जीव को, मतलब भक्ति रेव एव नयति, भक्ति ही जीव को भगवान तक ले जाता है, भक्ति रेव एव दर्शयति, राधा रानी की कृपा से ही जीव को भगवत दर्शन होता है श्री राधा रानी की कृपा से। इसलिए कहते उपनिषद में भी राधा रानी का नाम बताया गया है। कहते श्री बृहदारण्य उपनिषद में वहां पर भी बताया, रस वैस रसम जवायाम लब्ध्वानंद भवति। भगवान रस स्वरूप है, लेकिन रस स्वरूप होने पर सारा दुनिया जिनसे रस प्राप्त करता है, सारा दुनिया जिनसे रस प्राप्त करता है, लेकिन वो रस स्वरूप होते हुए भी, लेकिन वो किससे रस पाना चाहते हैं? बोले कृष्ण को कौन आनंद देता है? बोले कृष्ण को अगर कोई आनंद देता है, एसम जवाम आनंदयति, कृष्ण को भी अगर कोई आनंद देने वाले हैं, कहते श्रीमती श्री राधा रानी। इसलिए कहते श्री गोपाल तापनी उपनिषद में बताया, बोले कृष्णे न आराध्यते इति राधा, कृष्णम समाराधयति राधा।
या तो उनका नाम राधा क्यों पड़ा, पर कृष्ण ने आराध्यते इति राधा, कृष्ण भी जिनकी चरण की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। इसलिए श्री बिल्व श्री कवि जयदेव ने, जब उन्होंने एक समय देखा कैसे श्रीमती राधा रानी मान की है किसी कारण से, कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, जब किसी तरह से श्रीमती राधा रानी नहीं मिली, नहीं मानी, कृष्ण अपना मरु मुकुट उतार करके श्री राधा रानी की चरण में रख लेते। बोले क्यों? बोले मेरा नाम है नटवर है, इसलिए मयूर का जो नृत्य सबसे सुंदर नृत्य मयूर का नृत्य है, इसलिए मेरा नाम नटवर है, इसलिए वो मयूर पंख धारण करते, मयूर का नृत्य सुंदर नृत्य है, इसलिए मेरा नाम तो नटवर है, लेकिन हे राधे मेरी जो नृत्य विद्या है, इसलिए शंकर भी अपना को अभिमान करते हैं मैं नटराज हूं, लेकिन कृष्ण का नृत्य देख करके शंकर भी कहते बम बम बलिहारी है, भगवान के नृत्य देख करके शंकर भी कहते प्रभु आपकी बलिवारी बलिहारी हो, आपका बलिहारी हो, इसलिए कहते तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पत गत फम पम पम पनपो पर बिंग 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 बिनत करत नाग बधुआली, सन 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 कादिक गन 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 गंधर्व गण नम 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 नारद मुनि बम बम बलि हरि। इसलिए कहते प्रभु आपको बलिहारी हो, प्रभु को बलिहारी हो, मैं तो सोच रहा था सबसे सुंदर नृत्य करने वाले मैं हूँ, लेकिन प्रभु आपका क्या कालियों के सर पर नृत्य किया है भगवान ने, इसलिए भगवान नटवर है, इसलिए भगवान कहते सारे नृत्य विद्या की जो कला है हे राधे तुम्हारी चरण में। राधा रानी मानते नहीं, फिर कृष्ण अपना बंसुरी भी राधा रानी के चरण में रखते थे। बोले क्यों? बोले ये बंसी को द्वारा ही मैंने ये त्रिभुवन को मैंने गो ध्रुम द्विजा पुलकान विभ्रम, भगवान के बंसी ध्वनि सुन करके गो ध्रुम सभी पुलकित तो हो जाता है। बोले तेज बारी मृदा मुझता विनिमय जत्र त्रिसर्ग मृषा, जिन बंसी ध्वनि को सुन करके विश्व ब्रह्मांड मुग्ध हो जाते हैं। कृष्ण कहते हे राधे वो बंसुरी का सारे जो करामती तेरे चरण में है अभी तो मान जा। लास्ट में कृष्ण अपना नाम को भी राधा जी के चरण में लिख लेते हैं, मेरा नाम भी धन्य हो जाए, तब भी राधा रानी मानते नहीं। लास्ट में कृष्ण कहते हैं स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, हे राधे अपना उदार चरण कमल को मेरे सर पर रख लो, जिसको देख कर कवि जयदेव का हाथ कांपना शुरू हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है, जो विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक, जिनकी चरण को शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाहि निरंतर ध्यामे, वो परम ब्रह्म कैसे अपना सर को कैसे राधा जी के चरण में रख लेंगे, उनको हाथ कांपने लग गया। पद्मावती को बोले मैं स्नान करने जा रहा हूं, इतने में कृष्ण स्वयं उनको रूप धारण करते हुए आते हैं। बोले पद्मा बीच में एक पद याद आ गया, भूल नहीं जाओ, कापी दोगे? जब कापी दिए कृष्ण सोने की अखियार में देही पद पल्लव मुदारम, कृष्ण स्वयं लिख करके पद को जाते हैं। थोड़ी देर बाद में जब कवि जयदेव आते हैं, पत्नी ने बोले चढ़ी जल्दी आ गए? बोले जल्दी कब आ गया, मैं तभी गया था। बोले नहीं अभी अभी दोबारा आए थे ना। बोले कोई पद याद आ गया, मैंने कापी दिया आप लिख करके? बोले मैं नहीं आया। बोले कापी लाओ। देखा जिस पद को वो स्वयं नहीं लिख पाए, कृष्ण स्वयं वो पद को पूर्ण करके जाते हैं। कृष्ण कहते मैं भक्त के लिए क्या नहीं करता हूँ, भक्त के लिए तो सब कुछ करता हूँ, राधा रानी भगवान से कोई अलग नहीं है। बोले जापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण एव स एक ज्योतिंग द्विधा विरनम राधा माधव स्वरूपम, कहते जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा, केवल वो लीला रस आस्वादन करने के लिए सद्विधा भवेत, कहते केवल दो हुए हैं। उदाहरण दिया जैसे कि दिया है जैसे बीच में तेल है, अब देखना एक तेल तो एक है लेकिन दो तरफ में दो दिया जल रही है, लेकिन तेल कहाँ, एक ही तेल है, तेल तो एक ही है लेकिन दोनों तरफ में दो दिया जल रहे, कहते उसी तरह वो देखने के लिए लगते हैं दो लेकिन तेल एक ही है। जैसे कमल का फूल जड़ एक है, देखना वहां से दो फूल जैसे वहां से दो फूल निकलता है लेकिन जड़ एक ही है,
लेकिन वहां से दो फूल निकलता है। इसलिए हम देखने में दो है लेकिन हम दो है नहीं, हम एक ही है। कहते लीला रस आस्वादिते धरे दो रूप, केवल लीला रस को आस्वादन करने के लिए वो केवल दो रूप में प्रकटित हुए, लेकिन हम तत्व तो एक है, हैं? इसलिए कृष्ण का एक नाम है आत्मा राम, मतलब आत्मा तो राधिका है वो। कहते उनका आत्मा कौन है, बोले उनका आत्मा श्री राधा रानी है। इसलिए आत्मा राम मतलब अपना आत्मा में ही जो रमण करते हैं, इसलिए जो गोपियों को साथ में रास करते हैं ये और किसी को साथ रास नहीं कर रहे, कृष्ण स्वयं स्वयं को साथ में ये लीला रस आस्वादन करते। इसलिए कहते कृष्णे न आराध्यते इति राधा, बोले कृष्णम समाराध्यते इति राधा। राधा मतलब है कृष्ण भी जिनको आराधना करता है और राधा भी जिनकी चरण की आराधना करते हैं, इसलिए इनका नाम श्री राधा है। इसलिए कहते ये उपनिषद में भी राधा रानी का नाम, कहते श्री पुराण में भी देखो, पुराण में भी सर्वत्र राधा रानी का नाम है। इसलिए भले देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा, इसलिए हम पहले श्रवण कर रहे थे ये गौतम तंत्र में बताया देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, इसका हम व्याख्या सुने थे। देवी मतलब दुतप्यमान जो परमा सुंदरी, जिनसे जगत में और सुंदरी कोई है नहीं। इसलिए उमा रमा सत्या सचि चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आमनायमानी, राधा रानी की सौंदर्य से ही ये सबका सौंदर्य आता है। हम पहले श्रवण किए थे ये पृथ्वी का सारे जितने स्त्रियां हैं इनकी सुंदरता को एकत्रित कर तो एक स्वर्ग के अप्सरी को साथ में सारे स्वर्ग के अप्सरी रंभा उर्वशी मेनका इनकी सुंदरता को एकत्रित कर तो ये होता है एक श्री लक्ष्मी को साथ में, ऐसे सारे लक्ष्मी की सौंदर्य एकत्रित कर तो एक महेशियों के साथ में होता है, सारे महेशियों का सुंदरता एकत्रित कर तो एक गोपी को साथ में होता है, सारे गोपियों की सुंदरता एकत्रित कर तो राधा रानी की चरण की नख की जो छटा है इनके सारे सौंदर्य वहीं समा जाती है। मतलब इतने सुंदर श्री राधा रानी, इतने सुंदर श्री राधा रानी है। इसलिए बोले देवी दत्तमना परमा सुंदरी, और देवी मतलब कृष्ण लीला की बसती नगरी, मतलब कृष्ण जो लीला करते हैं जैसे कि बगीचा हो, जिस बगीचा में कृष्ण जिस बगीचा में लीला करते, राधा रानी एक सुंदर फूल के बगीचा है, एक नगरी है और जिसमें कृष्ण जिसमें लीला करते हैं, इसलिए देवी कृष्णमयी मतलब कृष्ण जिसकी बाहर भीतर, इसलिए उनका नाम श्यामा मतलब कृष्ण चिंता करते 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 एकदम कृष्ण रंग में राधा रानी रंग गई। राधा रानी की इतने महिमा है, बोले राधा चिंता निवेश है न जस्य कांतिर्विलोपिता, राधा रानी तो कृष्णमयी लेकिन कृष्ण चिंता राधा रानी की भी चिंता करते 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 कृष्ण कभी अपना रंग को विलोपिता करके कभी श्री कृष्णचंद्र भी स्वयं श्री राधा रानी के अंग कांति को धारण किया, बोले कहां पर, बोले ये मिलितला में है। जब उन्होंने ये चीज को उन्होंने देख लिया, जब राधा रानी ढूंढते ढूंढते आए बोले तो वही श्याम तो लग रहा है, वही बंसुरी वही मुरली लेकिन वही पीताम्बर, लेकिन रंग केवल बदला हुआ दिख रहा है। राधा रानी समझ गई श्याम सुंदर मेरी चिंता करते 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 श्याम सुंदर मेरे रंग धारण किए। इतने में राधा रानी आकर के श्याम सुंदर का शरीर को स्पर्श करते ही और धीरे 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 राधा रानी अपना भाव का अंग कांति को ले जाते हैं। जब कृष्ण पुनः अपना स्वरूप में आते हैं, कृष्ण देखा मैं स्वयं रस स्वरूप आनंद स्वरूप हूँ, सारा दुनिया मेरे से रस आनंद लेते हैं, लेकिन आज जब मैं राधा रानी की चिंता में डूब गया मेरे को तो एक नया आनंद अनुभूति हुई, जीवन में कभी मैंने इतना आनंद मुझे मिला ही नहीं। जरूर राधा रानी का प्रेम में कोई चीज एक है, जरूर राधा रानी का प्रेम में कोई चीज है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आएंगे कलयुग में, वहीं से ही सुचित उन्होंने किया, वहीं से ही उन्होंने ये चीज की अनुभूति की है, मेरे को राधा रानी की भाव अंग कांति लेकर हमें जाना पड़ेगा,
राधा रानी कैसे मेरे प्रेम का आस्वादन करती हैं। राधा रानी के अंदर में जो एक मादनाख्य महाभाव है, जहाँ कृष्ण भी जिस चीज को छू नहीं सकते हैं, कृष्ण का प्रेम भी यहाँ पर पहुंच नहीं पाता है, कृष्ण भी जहाँ समझ नहीं पाते हैं, जरूर ये राधा रानी का प्रेम में कोई विशेष वस्तु है। इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा भाव दुति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। इसलिए राधा रानी के भाव अंग कांति लेकर के स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए। इसलिए देवी कृष्ण में प्रवक्ता राधिका, हम पहले श्रवण किया था, राधिका मतलब है रासलीला में, रासों में जब राधा रानी ने मान की रासलीला छोड़कर चली गई, कृष्ण जब राधा रानी को लेकर के चले जाते हैं, जब गोपियां ढूंढते ढूंढते कृष्ण का सुंदर जो चरण चिन्ह देखा, ये तो बोले कृष्ण का चरण चिन्ह, क्योंकि सब गोपियां उनकी सेवा करती है। लेकिन जब थोड़ी दूर गए ना, देखा बीच में एक छोटी सी चरण चिन्ह, वो चीज को तो कोई समझ नहीं पाए, क्योंकि जो विपक्ष पार्टी थे वो तो राधा रानी का चरण की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन राधा रानी के चरण को जो सेवा करने वाले मंजरी और ललिता विशाखा सखिया, वो तो देखकर वाह, देखो श्याम सुंदर हमारी सखी को लेकर गए। और सुखदेव गोस्वामी को आनंद में तो इनकी सीमा नहीं रही, बोले क्यों, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांतक नन्न रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। बोले राधा रानी के निकुंज प्रसाद में रहने वाले राधा रानी जिनको हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाती है, कृष्ण नाम को पढ़ाती है, और राधा रानी कभी कभी उनको चुम्बन देती है, इसलिए वो राधा रानी की पक्ष वाली, इसलिए उनके आनंद की तो सीमा नहीं रही। और वहां पर उद्घोष किया, उन्होंने डिक्लेयर किया, बोले देखो देखो तो भले ही तुम लोग सबके सब भले ही अभिमान करो, अरे कृष्ण हमें सबसे ज्यादा प्रेम करते, देखो यहाँ पर सबके सब यहाँ पर तो थे, लेकिन कृष्ण लेकर किसको गए, बोले हमारी किशोर जी को लेकर गए। इसलिए ये श्लोको कह रहे हैं, जैसे दो पार्टी में युद्ध होने पर जब एक पार्टी का विजय प्राप्त होता है, जैसे वो शंखदाद करता है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जो श्लोक है ये भागवत का शंखनाद है, मतलब रास लीला में है, रास की इसलिए महत्व है रास लीला की, जिसमें श्याम सुंदर ने प्रतिपादन किया रासेश्वरी अगर कोई हो तो श्रीमती श्री राधा रानी, अगर राधा रानी नहीं हो तो रास असंभव है, इसलिए वो शंखनाद है। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए श्री राय रामानंद संवाद में जब श्री राय रामानंद ने ये श्लोक कोटेशन किया, सबसे श्रीमती राधा रानी के श्रेष्ठत्व तो है, लेकिन महाप्रभु फिर प्रश्न करते हैं, कहा देखो तुमने ये जो बात बताई, ये जो श्लोक तुमने कोटेशन दिया, राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है, हाँ प्रमाण तो हुआ है लेकिन पूर्ण रूप में नहीं हुआ। बोले क्यों, बोले जैसे एक क्लास में जब कोई बच्चा को गोल्ड मेडलिस्ट मिलता है ना, सारे बच्चे को सामने उसको रख करके दी जाती, बोले देखो ये क्लास में से सबसे बढ़िया जो मार्क ना ये बच्चे ने लाए है ना, उसको देते हैं गोल्ड मेडलिस्ट, उसको मिलता है सबको सामने। लेकिन यहाँ पर कृष्ण तो राधा रानी को सबसे ज्यादा महत्व दिया, लेकिन छुपा करके ले गए, ये छुपा करके ले गए, इसलिए इसमें प्रमाणित तो होता है लेकिन पूर्ण रूप में प्रमाणित तो ये नहीं होता है। ऐसे कोई प्रमाण है जहां पर श्री श्याम सुंदर राधा रानी को सबको सामने उन्होंने बताया, जितने तुम लोग गोपी हो उसके अंदर में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई मेरे को सेवा करने वाले, मेरे को आराधना करने वाले अगर कोई हो, ये श्रीमती राधा रानी, ऐसे कोई श्लोक है। फिर उन्होंने गीत गोविंद से एक श्लोक को कोटेशन किए, बोले कंसारी रपी बासना बासना बध श्रृंखला राधा माधव हृदय तत्तेज ब्रज सुंदरी। कहते उन्होंने कोटेशन दिया, कंसारी रपी संसार वासना बद श्रृंखला, इसलिए जब श्री राधा रानी रास छोड़ने चाहती है, इस समय में सब सखियां है वहां पर, लेकिन श्याम सुंदर देखते देखते श्री राधा रानी को सबको सामने गोद में उठा करके श्याम सुंदर ले गए। पर राधा रानी जब अंतर ध्यान हो जाती है, श्याम सुंदर सबको सामने बैठ करके कुंज में हा राधे हा राधे बोल करके कृष्ण राधा रानी का विरह में क्रंदन करते सब गोपियों के सामने, मतलब कृष्ण यहाँ शिक्षा देते हैं सब गोपियों को अंदर में,
राधा रानी का जो प्रेम है ये सर्वोत्तम प्रेम है, इसलिए इनका नाम है राधिका, इसलिए कहते हैं परा देवता। कहते ये सारे देवियों के अंदर में ये सर्वश्रेष्ठ देवी कौन है, श्रीमती राधा रानी। हमने पहले बताए थे जब कुरुक्षेत्र में जब नारद जी हैं, जब नारद जी आए कुरुक्षेत्र में, नियम है स्नान करने का बाद, जब उनको सूर्य ग्रहण हुआ, स्नान करने का बाद नियम है सब साधुओं को दान देनी चाहिए। इतने में बोले नारद जी महिषियों को, बोले देखो संतों को दान देने से सब इच्छा पूरी होता है, लेकिन संतों को ऐसे नहीं घटिया चीज दे दो जो चीज हम व्यवहार नहीं करते, सबसे बढ़िया चीज संतों को देनी चाहिए। महेश्वर ने कहा हमारा सबसे बढ़िया तो कृष्ण है, हम सबसे ज्यादा प्रेम कृष्ण को करते हैं, इसलिए हम कृष्ण को ही आपको दान करते हैं। बोले देखो तुम लोगों ने मेरे को कृष्ण को दान किया, आज से कृष्ण मेरे चेले हो गए। अरे मैं तो शांत साधु हूँ, अभी उनको मूड़ मुड़ा करके चोटी रख करके और गौर के वस्त्र पहना करके कमंडल संन्यास दे करके ले जा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, कृष्ण हमारा जीवन स्वरूप है, अब कृष्ण को ले जाके काम। बोले तुम दान दिया ना, अभी तो ये मेरा हो गया। बोले देखो और एक उपाय है। बोले क्या है? बोले अगर कृष्ण के बराबर हमें सोना तोल कर दे दो फिर हम कृष्ण को वापस दे देंगे। बोले हाँ ये कर सकते हैं, एक तराजू लाए, कृष्ण को एक तरफ में रखे और दूसरे तरफ में रुक्मिणी ने सारी शरीर का अलंकार को उन्होंने उतार करके तराजू का एक तरफ रख सकते हैं। भगवान के बराबर कहाँ कर सकते हैं, जिनका बाहर नहीं जिसका भीतर नहीं, विश्व ब्रह्मांड जिनका स्वरूप में, उनके बराबर कहाँ कर सकते हैं। उस टस से मसे नहीं हुए, रुक्मिणी तो इधर उधर झांकने लग गई, सत्यभामा समझ गई। पर सत्यभामा ने सारे अलंकार, पहले स्त्रियां है ना पूरा सर से लेकर प्यार तक, हाँ पूरा अलंकार 15-20-20 किलो 30-30 किलो अलंकार सोने की पहना करती थी, उनने भी उतार करके उन्होंने वो भी रख लिया, लेकिन टस से मसे नहीं। अरे रुक्मिणी इधर उधर देखी, फिर कालिंदी भी सारे अलंकार निकाल दी, फिर मित्र भी था सारे 16,108 रानी सारे अलंकार को निकाल कर रख दी, लेकिन कृष्ण के बराबर नहीं हो पाए। नारद बोले ठीक है फिर तो कृष्ण को मैं ले जा रहा हूँ, तुम लोग दे नहीं पाए। बोले क्या किया जाए? बोले चलो, उनको पता चला यहाँ पर राधा रानी आई, बोले चलो राधा रानी के शरण में जाते हैं। सबके सब श्री राधा रानी के शरण में गए। बोले राधे ये स्थिति है, तब श्री राधा रानी आती हैं, बोले सारे अलंकार को निकालो और एक तुलसी पत्ता लाओ, और एक तुलसी पत्ते में राधा रानी अपना आंखों का आंसुओं से उन्होंने कृष्ण नाम को लिखे, इसमें कृष्ण नाम का महिमा भी दिखाते हैं। हाँ कृष्ण नाम को लिख करके जब तराजू का एक तरफ में रखे ना, भास रखते ही कृष्ण एकदम हल्का होकर ऊपर उठ गए और तुलसी पत्ता और कृष्ण नाम एकदम नीचे हो गया। हाँ यहाँ पर तुलसी दल की महत्व और कृष्ण नाम की महत्व यहाँ पर दिखाया है, इसलिए राधा रानी का जो प्रेम है कहती है सर्वोपरि प्रेम श्री राधा रानी का प्रेम है, इसलिए कृष्ण में राधिका परा देवता, देवियों में ये सर्वश्रेष्ठ देवी श्री राधा रानी, जिसको उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आमनाय बानी, इसलिए राधिका सर्वलक्ष्मीमयी। कर सर्वलक्ष्मी में मतलब बोले सारे लक्ष्मी जिन से प्रकट होती हैं, वैकुंठ का लक्ष्मी जहां पर प्रकट होती हैं, द्वारका का लक्ष्मी जिन से प्रकट होते हैं, मथुरा के जितने हाँ और गोपियां, ये सब एक एक लक्ष्मी, इसलिए बोले हाँ इसलिए बोले लक्ष्मी सहस्र सत्र समानम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी, सारे लक्ष्मियां जिनसे अनंत करोड़ लक्ष्मी जिनसे प्रकट होती हैं, इसलिए सर्व लक्ष्मी मई सर्व कांति सन्मोहिनी परा, इसलिए सर्व कांति मतलब कृष्ण की जितने इच्छाओं को अगर कोई पूर्ण रूप में अगर कोई परिपूर्ण करते हैं, कहते कौन है? बोले ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी उदाहरण दिया, जैसे शीशा के सामने जब हम खड़े हो जाते हैं हमारा सारे प्रतिबिंब शीशा के ऊपर पड़ती हैं, इसलिए राधा रानी को उदाहरण दिया, ये एक स्वच्छ दर्पण है। और कृष्ण की जितने इच्छा है उस सारी इच्छा से राधा रानी के ऊपर में रिफ्लेक्शन होता है, सारी राधा रानी सारी कृष्ण की इच्छाओं को समझ करके वो जैसे जैसे चाहते हैं, इसलिए राधा रानी जो अनंत जो सखी रूप में क्यों प्रकट हुई राधा रानी, कारण यही है कृष्ण को अनंत इच्छाओं को अनंत रूप में पूरी करने के लिए
राधा रानी एक एक अपना भाव को उन्होंने एक एक गोपी रूप में प्रकटित किया है, और एक एक मंजरी रूप में अनंत करोड़ मंजरी और सखी रूप में राधा रानी प्रकट होकर कृष्ण की अनंत इच्छा को, अनंत सेवा रूप में राधा रानी कृष्ण की इच्छा को, सारी इच्छा को राधा रानी पूरी करती है। इसलिए बोले सर्व कांति बोले सन्मोहिनी। सन्मोहिनी मतलब विश्व ब्रह्मांड का अगर कोई सन्मोहन करता है कौन है, बोले श्री श्याम सुंदर है, सारा दुनिया को सन्मोहन करते। इसलिए बोले कोटि कंदर्प कमन या विशेष शोभम गोविंद अंगमादि पुरुषम तमाम भजामी, जिनको सामने स्वयं कामदेव भी जिनको सामने स्वयं परास्त हो जाते हैं, लेकिन वो किसको सामने परास्त हो जाते हैं, बोले श्रीमती राधा रानी को सामने। इसलिए हम लोगों ने पहले सुने थे बंसी करान निपतितम स्खलितम शिखंडम, राधा रानी की एक भ्रुकुट से कृष्ण का बंसुरी गिर जाते हैं, मधुर मुकुट गिर जाते, कपड़ा भी खिसक जाते हैं, कृष्ण भी स्वयं मूर्छित तो हो जाते हैं। इसलिए जब बसंती रास में कृष्ण एक दिन बसंती रास से अंतर्ध्यान हो गए गोपियों को छकाने के लिए, और पैठा में जाकर के चतुर्भुज लेकर बैठ गए। अभी गोपियां ढूंढ रहे हैं श्याम सुंदर गए का, श्याम सुंदर गए का, ढूंढ रहे कहीं मिल नहीं रहे। इतने में गोपियां ढूंढते ढूंढते सामने नारायण को देखा, नारायण को देख करके जाकर के हाथ जोड़ करके पूछे, बोले हमारे श्याम सुंदर को देखे हो कहीं? वो तो स्वयं श्याम सुंदर थे और कुछ बोले नहीं, चुपचाप रहे, वो तो चले गए। लेकिन जब श्री राधा रानी आई पास, राधा रानी को नारायण कृष्ण राधा रानी को दर्शन करते है ना, वो शरीर उनको कांपने लग गया है, उनका शरीर कांपने लग गया, और कांपते कांपते कृष्ण का जो दो हाथ था ना वो अपने आप अंदर में अपने आप प्रवेश कर सकता पानी दोगे, इसलिए अपनी आप प्रवेश कर गया, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया पैठा नाम पड़ा। वो उसको दे दो तो। वो क्या है वो उसमें पानी डालते हैं वो मिठाई इसलिए उनको बोला सन्मोहिनी परा। इसलिए कृष्ण को भी जो मोहित करते थे इसलिए उनका नाम परा। परा मतलब है भगवान की जो स्वरूप शक्ति, भगवान की जो लादिनी शक्ति, भगवान की जो परा शक्ति कौन है, ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए कहते समस्त पुराण में भी इसलिए राधे वृंदावन बने, इसलिए कहते राधा रानी वृंदावन में, बोले कमला कहते हैं द्वारा बता तू कमला पुरुषतम बिमला पुरुषतम है और वृंदावन बने, बोले वृंदावन में श्री राधा रानी। इसलिए इसलिए शास्त्र तथा राधा प्रियम कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेश सेवका विष्णुर रतंत वल्लभा। इसलिए राधा कुंड के लिए बताया जैसे कृष्ण का, जैसे राधा रानी प्रिय करती है कुंड भी उनका प्रिय, लेकिन सर्व गोपेश सेविका समस्त गोपी किसकी चरण की सेवा करते हैं, बोले विष्णु रतंत वल्लभा श्री राधा रानी को प्रणाम करते हैं। अभी यहाँ पर प्रश्न है, कहते हैं भैया तुम सब जगह में राधे 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 बोलते हो, लेकिन भागवत तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। भागवत को बताया अर्थायम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप वेदार्थ परिवृत्त, मतलब जितने पुराण वेद उपनिषद है कहते सर्व वेदांत इतिहास नाम सार सार समुद्रतम, सारे वेद उपनिषद का जो सार सार है ये क्या है, कहते ये श्रीमद् भागवत है। हाँ? लेकिन ये भागवत में फिर राधा रानी का नाम फिर क्यों नहीं, अब तो खूब राधे 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 बोलते रहते हो, तो भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ तो उसमें तो राधा रानी का नाम देनी चाहिए, क्यों उसमें राधा रानी का नाम नहीं दिया, इसलिए बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है। लेकिन हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु धारा में जो आए वो कहते हैं भागवत में तो राधा रानी का नाम को छोड़कर और कुछ है ही नहीं, उसमें तो केवल राधा रानी की महिमा है। बोले ग्रंथ का नाम क्या है, बोले श्रीमद् भागवतम। बोले श्रीमद् का मतलब क्या, बोले श्री मतलब श्रीयाम सहितम, यहाँ पर श्री मतलब होता है श्री राधा
रानी, और मद मतलब प्रेम। हम कहते ना भैया मदमस्त हो गया, मतवाला हो गया है, कहते ये श्रीमद भागवत नहीं, ये राधा रानी की प्रेम वैचित्रता ही भागवत। एक उदाहरण दिया, बोले कोई एक सेठ था, वो खूब पैसा कमाता है, हीरे जवाहरात कमाता है, लेकिन पैसा किसको देता है, बोले सेठानी को। और सेठानी क्या करती है, अलमीरा में सजा सजा करके लाख लाख रुपया की हीरो रुपया और सारे हीरे जवाहरात को अलमारी में सजा सजा कर रखती। और एक दिन क्या हुआ, वो सेठानी पागलिनी हो गई। पागलिनी हो गई तो वो जितनी सब धन दौलत था ना वो अलमीरा में सारे धन दौलत को लेकर के उसने छत के ऊपर में गई और जितनी हीरो और जितने सब हीरे जवाहरात थी वो छत के ऊपर से उसने लुटाना शुरू कर दी। तो जितने गरीब लोग थे, साधारण लोग थे, वो सबके साथ लाख लाख रुपया की हीरो और हीरे जवाहरातों को उन लोग ने उठाया और लेकर के एकदम माला माला हो गए हैं, एकदम माला माला हो गए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये श्रीमद भागवत है क्या चीज, कहती ये सेठ कौन है, बोले सावरिया सेठ, कृष्ण ही यहाँ पर सेठ है। बोले सेठानी कौन है, बोले श्री राधा रानी। कृष्ण तो पैसा कमाते हैं, क्या पैसा कमाते हैं, अपना रूप गुण लीला परिकर अपना प्रेम को कृष्ण तो कमाते हैं, लेकिन रखने के लिए किसको देते हैं, सेठानी को पास में। इसलिए राधा रानी को बताया प्रेम की जो भंडारी कौन है, श्री राधा रानी। इसलिए वृंदावन में जाकर के ना देखना कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, सबके सब क्या बोलते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं, राधे राधे, सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। बोले राधा रानी का नाम क्यों लेते हैं, बोले कारण है क्या, बोले कारण है, बोले रा शब्द कुर्बन तस्मात ददामी भक्ति उत्तमम, धा शब्द कुर्बत पश्चात धा विश्रवण अनुवाद। कहते रा शब्द सुनते ही कृष्ण सोचने में पड़ जाते हैं, भैया हमारी राधा रानी का रा शब्द लिया, उसको तो कुछ देनी चाहिए। कृष्ण कहते विश्व ब्रह्मांड में रा शब्द का विनिमय में मुझे कुछ देना कुछ मिलता नहीं, लास्ट में मैं खुद को खुद अपना भक्ति में दे देता हूं। अगर कोई धा बोल दिया ना, रा और धा, अगर ये दो अक्षर कोई बोल दिया, कृष्ण कहते भैया उसको सुनने के लिए मैं उसको पीछे पीछे भागने लगता हूं। इसलिए एक भजन गाते हैं ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। इसलिए कहते राधे राटो चल रहे, और क्या होता है श्री बिहारी जी वहां पर आते हैं। और भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं राधा नाम गाने बाही श्री कृष्ण चरण पाई, कृष्ण नाम गाने राधा रानी। कहते राधा शब्द से कृष्ण खुश होते हैं और कृष्ण नाम से श्री राधा रानी खुश होते हैं। राधा जी कृपा से कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण कृपा से श्री राधा रानी मिलते हैं। दोनों दोनों को परिपूरक है, है? इसलिए यहाँ पर सेठानी कौन है, श्री राधा रानी, मालिकानी श्री राधा रानी, सारे माल राधा जी के पास में है। अगर वो कृपा करके किसको प्रेम धन देना तभी वो प्रेम धन दे सकते, नहीं तो प्रेम धन को श्याम सुंदर स्वयं भी प्रेम धन को दे ही नहीं सकते हैं। इसलिए एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बनी, कृष्ण प्रेम में मतवाली बनी, और कृष्ण जो धन संपत्ति कृष्ण उनको पास में दिया ना राधा रानी के पास में इकट्ठ करके रखी, एक दिन राधा रानी सारे संपत्ति को लेकर गई छत के ऊपर में और उसने लुटाना शुरू कर दी। और लुटाना शुरू कर दी तो आप और हम जैसे कौन कृष्ण प्रेम के जो भूखे हैं, बस उठाया माल और सबके सब मालामाल हो गए। इसलिए कहते ये श्रीमद भागवत नहीं, बोले भागवत कौन है, बोले श्रीमद भागवतम। श्री मतलब राधा रानी का, मद मतलब प्रेम। जब राधा रानी कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर के हो जाती है, जब वो चीज को लुटाती है, क्या है, बोले भागवत है। इसलिए कहते ये जो भागवत है श्री राधा रानी का प्रेम वैचित्रता है, ये श्रीमद भागवत। इसलिए जो भागवत है साधारण लोगों का धारणा है ये तो कृष्ण पर ग्रंथ है, लेकिन हमारे महाराज गुरुदेव गए तो बोले नहीं ये राधा पर ग्रंथ है। बोले क्यों, कारण क्या था, गुरुदेव इसका बढ़िया सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते भागवत ग्रंथ है ये स्वयं कृष्ण स्वरूप है, ये कृष्ण स्वरूप है। जैसे दो चरण भगवान का, प्रथम द्वितीय स्कंध, तृतीय चतुर्थ स्कंध, दो जंघा,
पंचम स्कंद नाभि, षष्ठ स्कंद छाति, सप्तम अष्टम स्कंद दो हाथ, नव स्कंद कंठ, दसम स्कंद मुखारविंद, एकादश स्कंद ललाट, द्वादश स्कंद सर। लेकिन ये शरीर में सर्वश्रेष्ठ अंग क्या है? बोले मुख। जैसे विजय, मैं कैसे पता चलता है तुम विजय हो? तुम्हारे हाथ को नहीं, प्यार को नहीं, तुम्हारे सर को देख करके। अगर सर ढक दो ना, हम बता नहीं पाएंगे ये कौन है। लेकिन अगर सर को देख लिया, मुंह को देख लिया, तो हम समझ जाएंगे ये कौन है, ये विजय है। लेकिन आप सुखी ना दुखी कैसे पता चलेगा? अगर आप हंस रहे हो ना, कभी ये मुखारविंद क्या है, कभी दशम स्कंद, ये दशम स्कंद ही मुखारविंद। इसका मतलब भागवत का जो सार है क्या है, ये दशम स्कंद, ये आश्रय है दशम स्कंद। लेकिन उसका अंदर में सर्वश्रेष्ठ किया, एक व्यक्ति सुखी ना दुखी कैसे पता चलेगा? कहते अगर कोई हंस रहा है ना, पता चलेगा भैया ये कौन है, सुखी है। अगर उसका मुंह लटका हुआ तो बोले भैया दुखी है। कहते इसलिए श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं दशम स्कंद तो हो गया मुखारविंद, लेकिन उसमें जो हंसी है वो हंसी क्या, बोले ये रासलीला, हंसी ये रासलीला। लेकिन रासलीला में कहते उसमें जो पांच अध्याय है, उसमें जो पांच अध्याय है, कहते पांच अध्याय किया, कहते पंच प्राण है। जैसे शरीर है, अगर शरीर में प्राण नहीं तो शरीर का कोई महत्व नहीं, प्राण ही शरीर का मूल है, है? मूल ही प्राण शरीर का। कहते प्राण तो रास पंच अध्याय, ये प्राण है। और रास का जो रासेश्वरी कौन है, बोले श्री राधा रानी, है श्री राधा रानी रासेश्वरी। इसलिए रासेश्वर कृष्ण नहीं, रासेश्वरी श्री राधा रानी। इसलिए रास होते समय सबके सब थे, लेकिन जब राधा रानी रास छोड़कर चली गई, रास बंद हो गया, रास बंद हो गया। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते रूप गोस्वामी, कहते रास का जो श्रृंखला कौन है, जिसको बांध कर रखे थे रास को, बोले श्री राधा रानी। इसलिए राधा रानी श्रृंखला टूट गई, रास खत्म। राशेश्वरी कौन है, श्री राधा रानी, जिसको कृष्ण राधा रानी को सर्वश्रेष्ठ रूप में, जहां पर राधा रानी की प्रेम को स्थापन करते हैं। इसलिए भागवत का मूल कौन हो गए, इसलिए गुरुदेव कहते हैं भागवत का कौन मूल है, श्री राधा रानी। तो भागवत का सार कौन है, श्री राधा रानी। अभी प्रश्न यहाँ होता है, फिर भागवत में राधा रानी का नाम फिर क्यों नहीं दिया, इसका क्या कारण है? तब हमारे श्री श्रीधर स्वामी एक अर्थ कहते हैं, कहते राधा नाम उच्चारण मात्रेण सण मार्सिक मूर्छा भवेत। अभी श्री सिद्ध स्वामी कह रहे हैं, भागवत का पहला टीकाकार है, कहते राधा रानी स्वयं प्रेम स्वरूप रस स्वरूपिणी, और ये सुखदेव गोस्वामी उनकी प्रिय सुख है। इसलिए प्रिय सुख होने का नाते जब एक बार श्री राधा रानी का नाम लेते थे, वो छह महीना तक बेहोश हो जाते थे। अभी सात दिन में उनको पूरी कथा सुनानी, अगर छह महीना बेहोश हो गए तो फिर कथा कैसे सुनाएंगे? इसलिए उन्हें राधा रानी का नाम उन्होंने नहीं लिया। इसको पहला कारण बताया। बोले दूसरा कारण क्या बताया, रास उन्होंने भागवत प्रारंभ से पहले सुखदेव गोस्वामी राधा रानी से प्रश्न करते हैं, बोले हे राधे, तुम्हारी नाम को ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में हम किस रूप में ग्रहण करें? स्वयं राधा रानी आदेश देती है, बोले सुख मेरे नाम को स्पष्ट रूप में नहीं लेना, हा? अगर लेना तो मेरे नाम को छुपा छुपा करके लेना, स्पष्ट रूप में नहीं लेना, हा? बोले नहीं लेना। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का आदेश को पालन करते हुए उन्होंने श्री राधा रानी का नाम को स्पष्ट रूप में नहीं लिया, ये दूसरा कारण। बोले तीसरा कारण है, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी का जो गुरु है श्रीमती राधा रानी, गुरु है उनकी, नियम जो गुरु जी का जो नाम है ना, सब जगह में नहीं लेनी चाहिए, है जिस जिसको बोले गुरु कौन, नहीं बोलनी चाहिए गुरु जी का नाम। हाँ, अगर बोलनी चाहिए तो हाथ जोड़ करके जयकार देते हुए प्रणाम करते हुए अपना गुरु जी का नाम लेनी चाहिए, और जत्र जत्र गुरु जी का नाम नहीं लेनी चाहिए। और जो मंत्र है, हाँ, जो मंत्र है, हम जब मंत्र जप करते, कैसे मंत्र जप करते हैं, नियम है जिह्वा तक भी नहीं हिलनी चाहिए, मंत्र जप करते समय जिह्वा भी नहीं हिलनी चाहिए, ये नियम है मंत्र जप करने का। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनको इष्टा श्री राधा रानी उनका इष्टा है। उनका जो चौथा उदाहरण दिया, जैसे कोई राजा आया, राजा कहलाता है, उनको सैन्य सामंत मंत्री सबका साथ में राजा आता है, उसी तरह कृष्ण आए तो थोड़ी अकेले आ जाएंगे, उनको शक्ति तो आएगी ना,
उनको शक्ति तो आएंगे, उनको परिकर तो आएंगे, इसलिए कृष्ण आए तो अकेले नहीं आए, श्री शक्ति को साथ में आए। अभी प्रश्न है भागवत में राधा जी का नाम तो किस रूप में, उन्हें बढ़िया उदाहरण दिया, बोले जैसे मेहंदी पत्ते देखे होंगे, मेहंदी पत्ते देखे हो, वो देखने में रंग कैसा है, हरा है, मेहंदी का पत्ता हरा है, हेना का पत्ता हरा है, लेकिन वो हरा नहीं है, वो लाल है, लेकिन ऊपर से क्या दिखता है, हरा, लेकिन वो लाल कैसे प्रकट होगा, बोले पिसो तभी देखो, तभी वो हरा हरा दिखेगा, लेकिन जब हाथ में लगा लो, मेहंदी लगा दिख नहीं, हाथ में लगा लो जब सूख जाता है, कौन सा रंग हो जाता है, लाल, और इतना लाल हो जाता है ना, महीना तक भी वो लाल नहीं छूटती है। उसी तरह भागवत में ऊपर में तो दिखती है हरा 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 हरा, कैसे, कृष्ण 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 कृष्ण, लेकिन अंदर में क्या है, राधे 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 राधे, लाल लाल, राधे 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 राधे, ये एक कारण है। उसका पंचमा कारण बताइए, बोले कृष्ण भक्ति को उदाहरण दिया जैसे कि बहता हुआ नदी, बहता हुआ नदी का पानी सब पी सकते, जानवर इंसान जो इच्छा जाकर पी सकता है, लेकिन अगर कुएं में अगर पानी हो ना, वो पानी को सब नहीं पी सकते। बोले कौन पिएगा, बोले जिसको पास में रस्सी और कोई पात्र होगा तभी जाकर के वो कुएं का पानी पी सकता है। इसका मतलब, बोले इसका मतलब है जो कृष्ण भक्ति सब कर सकते हैं, इसलिए हमारा इंडिया में देखना कृष्ण को भजन सब कुछ करते हैं, घर में गोपाल रखते हैं, पूजा करते हैं, कृष्ण को सारे भक्ति करते हैं, लेकिन जो राधा रानी का जो भक्ति है ना, कहती है कुएं का पानी और नदी का पानी में है, देखना नदी का पानी सब कुछ बहते हुए, कोई स्नान कर रहे हैं, जानवर खा रहे, सब पानी में, लेकिन जो कुएं का पानी एकदम निर्मल पानी होता है, ठंडा होता है, बोले उसको कौन पिएगा, जिसको पास में रस्सी और पात्र। बोले ये रस्सी पात्र क्या है, बोले इसका मतलब है, होता है जब तक कि कोई व्यक्ति कोई रस्सी की परंपरा में नहीं आएगा, ये राधा रानी का भक्ति प्राप्त तो नहीं कर सकता है। इसलिए वृंदावन में कोई एक रसिक थे, उनने एक सुंदर भजन लिखा, वो भजन में ये लिखा था, मैं तो कृष्ण रंग में रंगी, मतलब कृष्णा रंग में मैंने रंग गया। वो सचमुच से पद बड़ा सुंदर था, बड़े बड़े रसिकों के पास में गया, सब लोग तो देख देख रहे, बड़े वाह वाह, बोले बारे क्या उन्होंने पद लिखा है, लेकिन वो पद जब श्री जीव गोस्वामी के पास में आया, तो पद में श्री जीव गोस्वामी एक सुंदर आंसर लिख करके देते हैं, बोले अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तद अटबिम असंभाष तद भाव गंभीर चिताम कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाव। बोले क्या बोल रहे हो, कृष्ण रंग में रंग गया, इतने आसानी नहीं कृष्ण रंग में रंगना, कृष्ण जैसे टेढ़े है ना, उनको भक्ति भी बड़ी टेढ़ी खीरी है, इसलिए एक भजन में गाए, बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया है, मैया तेरी टेढ़ी, जमुना तेरी टेढ़ो, टेढ़ो रे टेढ़ो तेरी गोकुलो नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। इसका मतलब है कृष्ण को तो सब तुम्हारा टेढ़ी है, गले भी देखना वृंदावन में सब टेढ़ी है, हाँ नदी भी टेढ़ी है, बोले मैया भी तुम्हारी टेढ़ी, तू भी टेढ़े, सब तुर टेढ़े टेढ़े है, भले उनका भक्ति भी बड़ी टेढ़ी खीरी है, लेकिन वो टेढ़ी खीर तो है, लेकिन अगर वो टेढ़े, हाँ इसलिए कृष्ण को उदाहरण दिया कि मतवाला हाथी, और मतवाला हाथी को कंट्रोल करना इतना आसानी नहीं है, आसानी नहीं, उसको कौन कंट्रोल कर सकता है। उन्होंने बताए जब तक तुम तीन चीज को नहीं अपनाओगे, तब तक कृष्ण कृष्ण बोलने पर कृष्ण नहीं मिलेंगे। बोले तीन चीज क्या है, बोले अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु, जब तक इस राधा रानी के चरण धूल का आसरण नहीं करोगे। बोले दूसरे चीज क्या है, राधा रानी के चरण को द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम को जब तक आश्रय नहीं करोगे। और जो सर्वोपरि की चीज क्या है, बोले राधा रानी की प्रेम भक्ति रस में जो डूबे हुए संत है, जब तक तो उनका चरणों को आश्रय नहीं करोगे, कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाहः, कहाँ वो कृष्ण भक्ति रस में कहाँ तू गोता लगा सकते हो। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी बड़ा सुंदर कीर्तन लिखा, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायासे पावे गिरी धारी, राधिका च
रणाश्रय जयकार से महाशय तारे मोई जाऊं बलि हारी। इसलिए श्री भक्तिमन ठाकुर इसी श्लोक को उन्होंने कीर्तन रूप में लिखा है। बोले राधिका चरणाश्रय जयकर से महाशय, राधे रानी का चरणाश्रय सभी नहीं कर सकते, बड़े बड़े महाशय ही वो कर सकते राधा रानी का चरणों का आश्रय है। जयकर से पाए घनश्याम, वही घनश्याम को पा सकते हैं। इसलिए राधा रानी के कृपा के बगैर कोई भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए भागवत में इसलिए हमें कोई रस्सी की परंपरा में आना पड़ेगा, तब जाकर के हमें ये राधा रानी की कृपा प्राप्त हो सकती है। इसलिए राधा रानी का कृपा पाना बहुत कठिन है। कथा तो बहुत ही है, अब लोग फिर ऑफिस जाना, फिर मैं कल इसको बाद में और कुछ राधा रानी की कथा सुना दूंगा। भागवत में कहां कहां पर राधा रानी का नाम, कहां कहां पर सुखदेव गोस्वामी और किस किस रूप में राधा रानी का नाम दिया और कहां कहां पर राधा रानी का नाम उन्होंने उल्लेख किया है। ये कथा हम फिर हम कल सुनेंगे, शाम को भी थोड़ा सुन लेंगे, ठीक है। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्री वृषभान राज नंदिन की। बोले श्री कृतिका मैया की। बोले श्री कृष्ण कन्हैया की, दाऊ भैया की। बोले श्री सपार्षद गौर हरि की। बोले श्री गुरुपाद पद्म की। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। पूज्य पाद भक्ति रत सिद्ध महाराज की जय। ये इसको यूट्यूब में छोड़ देना, वो आ गया। और